2000 में मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि यहाँ अवेयरनेस बिल्कुल है ही नहीं कंप्यूटर्स के मामले में। तो मैंने सोचा कि जब मेरी स्टडी कंप्लीट हो ही गई है और मैंने अपना BCA कंप्लीट कर ही लिया है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे एक कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करूँ और छपरा के लोगों को अवेयरनेस दूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कंप्यूटर के अवेयरनेस से काफ़ी हेल्प मिलेगा यहाँ पे लोगों को, क्योंकि एक ऐसी स्टडी है जिसको करके उस समय जॉब का बहुत ही ज़्यादा होड़ था। बाहर मैंने देखा पटना, रांची और दिल्ली, इन सब जगहों पे मैं गया था अपने स्टडी के दरमियान, वर्कशॉप स्टडी भी मैंने की थी वहाँ। तो मुझे लगा कि छपरा में अगर कंप्यूटर्स का एस्टेब्लिशमेंट अच्छे तरीके से किया जाए, छपरा के लोगों को, छपरा के हमारे भाई, हमारे मित्र, हमारे सखा संबंधी जो लोग भी थे, उनको मैं बताऊं कि कंप्यूटर के स्टडी से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं जॉब कर लेता हूँ कहीं जा कर के दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में, कलकत्ता, मद्रास जैसे शहरों में, तो मुझे लगा कि फिर यहाँ तो वही स्थिति बनी रहेगी। तो मैंने यहाँ पे अपने पापा से, मम्मी से सलाह मशवरा करके एक छोटा सा इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया जिसका नाम NCC मैंने रखा, न्यू कोर सेंटर कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मैंने अपनी एक छोटी सी कंपनी इस्टेब्लिश की। और मैंने अपना अच्छा खासा समय मैंने इसमें दिया, लगभग 2006-2007 तक, 2006-2007 तक मैंने इसमें समय दिया एक टीचर के रूप में। मैंने यहाँ पे लोगों को स्टडी दी और काफ़ी ग्रो भी हुआ, और आज लगभग 2016 में मैं हूँ। और ये जो जर्नी है वो सिर्फ कंप्यूटर स्टडी की नहीं रही है, मुझे लगा कि अगर कंप्यूटर स्टडी के मामले में अगर मैंने इतना नाम, इतना शोहरत मैंने हासिल किया, तो अब कुछ जॉब के भी अवेयरनेस बाकी थे। अभी हम लोगों का लगभग NCC कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड का 5 कंपनीज के साथ टाई अप भी हो चुका है, और हम लोगों ने 2 बैच कंप्लीट भी किए हैं, और लगभग 50 से 60 विद्यार्थियों को इस 2 सालों में जॉब भी मैंने दिलाया है। जब NCC कंप्यूटर एजुकेशन का हम लोगों ने स्थापना किया था, ये वो समय था जब पूरा छपरा कंप्यूटर से, इनफैक्ट बिल्कुल कंप्यूटर के नॉलेज से बिल्कुल वंचित था। उस समय हम लोग एक शुरुआत किए थे NCC कंप्यूटर्स का, और ये जो मेरे बड़े भाई हैं अभिजीत चरण सिन्हा, इनके द्वारा किया हुआ एक पहल था। यहाँ पे स्किल इंडिया और NDLM का प्रोजेक्ट, ये सब प्रोजेक्ट के द्वारा NCC और आगे बढ़ी, और बिहार में हम लोग अपने संस्था से 50 से अधिक रोजगार हर साल देते आ रहे हैं। मैं NCC का फर्स्ट बैच का फर्स्ट स्टूडेंट हूँ, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि NCC 1999 में इसका स्थापना हुआ था, और उस समय से लेकर आज तक मैं NCC से जुड़ा हूँ, और उस समय मैं एक स्टूडेंट के तौर पे NCC में काफ़ी समय बिताया। हमको देख के बड़ी खुशी हुई, पहले तो डर लगा, लेकिन बाद में लगा कि हाँ अभिजीत जी ने कुछ ऐसा कमाल दिखाया। और आज के डेट में ऐसा लगता है हमको कि हम अगर सिवान रहते हैं तो सिवान से कोई अप्रोच करता है कि अंकल जी आपके भतीजा जो छपरा में सेंटर खोले हैं उसमें एडमिशन लेना है, मैं वहाँ से भी स्किल करता हूँ इनके लिए, और मुझे इज्जत भी मिलती है और बड़ी खुशी होती है। सारे पूरे छपरा में इन्होंने ऐसा ऐसा डेवलपमेंट का कार्य किया जिससे सारे लोग लाभान्वित हैं। अच्छा लगता है, सबसे बढ़िया कि यहाँ पे आते हैं लोग, कंप्यूटर का एजुकेशन लेते हैं, उनको जॉब भी मिल जाता है, बड़ी बड़ी अप्रोच भी हम लोग सुनते हैं कि हम वहाँ जा रहे हैं, मैं जाइए, मेरे अपने भतीजे हैं, और यहाँ से लोग लाभ उठाते हैं। सन 1999 में NCC कंप्यूटर सेंटर की स्थापना हुई। उस समय तो हम लोगों को बहुत ही डर लग रहा था कि पता ना इस छोटे शहर में राइज होगा नहीं होगा, फिर भी हम लोगों ने एक रिस्क लिया कि चलिए जब
अभिजीत का मन है तो इसको शुरू किया जाए। लाइन लगा के लोग एडमिशन में आते थे, 350-400 वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो गई थी। फिर कंप्यूटर सेंटर धीरे 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 आगे बढ़ा, भैया दिन ब दिन तरक्की करते गए। साथ में फिर अभी पता चल रहा है कि इनका काम 12-15 डिस्ट्रिक्ट में भी चल रहा है, स्किल डेवलपमेंट का काम चल रहा है जगह जगह, मतलब कौशल विकास योजना जो भी प्रधानमंत्री के जितने योजना है वो सबसे भैया कनेक्टेड हैं। तो बहुत अच्छा लगता है सुन के, इनका नेचर भी बहुत कोऑपरेटिव है। मेरे लिए एज अ ब्रदर ही इज़ द बेस्ट, और अपने कलीग्स के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ उनका नेचर काफ़ी फ्रेंडली रहता है। यही वजह है कि ये दिन ब दिन तरक्की किए जा रहे हैं। मेरा एक ही बेटा है जिसका नाम आदि और स्कूल नेम आदित्य कुमार। ये मेरे जीवन का सबसे प्यारा और सबसे सुखद क्षण रहा है जब मेरे लाइफ में मेरा आदि आया 2012 में। तो लगा जैसे कि पूरा माहौल ही चेंज हो गया, मेरे जीने का तरीका ही चेंज हो गया। अगर मम्मी पापा इन लोगों का साथ नहीं रहता तो शायद मैं इस मुकाम पे नहीं होता, क्योंकि छपरा एक बहुत छोटा शहर है और इस छोटे शहर में काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जिनका कुछ सोच छोटा है, काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जिनका सोच बहुत बड़ा है। जो भी हमारे स्टूडेंट्स आज पास आउट करके हमारे इंस्टीट्यूट से निकले हैं वो काफ़ी बड़े मुकाम पर हैं। कोई किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में है, कोई वेब डिजाइनिंग कंपनी में है। तो बात यह है कि जो मेरे स्टूडेंट्स थे या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे छात्र हैं, जो मेरी छात्राएं हैं, वो लोग हमारे सिर्फ छात्र और छात्राएं केवल स्टूडेंट्स ही नहीं रहे। उन लोगों ने हमेशा एक फैमिली का माहौल क्रिएट किया, उन लोगों ने हमेशा एक फैमिली का इन्वॉल्वमेंट क्रिएट किया मेरे एनसीसी में। और मुझे लगा ही नहीं कि मैंने इस 16 सालों की जर्नी को कैसे मैंने पार कर लिया। मेरे स्टूडेंट्स जहाँ भी रहें खुश रहें और सफल रहें और अपने जीवन के हर ऊँचाइयों को जो वो चाहते हैं उन्हें मिले, जो मुकाम वो चाहते हैं उनको मिले। और मेरी शुभकामनाएँ हमेशा मेरे छात्रों के साथ, मेरे छात्राओं के साथ, मेरे पूरे एनसीसी फैमिली के साथ हमेशा रहेगा। मैं जानता हूँ कि जिस काम में पूरी फैमिली का सपोर्ट रहे वो काम कभी ख़राब हो ही नहीं सकता। और अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ों के साथ हम लोग जो भी डिसीजन लेते हैं उस पर भैया काम करते हैं। और अभी परिवार में इस माहौल से बहुत ही मतलब मज़ा आता है एक तरह से, कि परिवार में सब लोग इन्वॉल्व हैं, सब लोग सपोर्टिव हैं और सभी लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। छपरा, सिवान, गोपालगंज, पूरे बिहार में, एक तरह से पूरे बिहार में जो एनसीसी का है उसमें ट्रेनिंग सेंटर ऑर्गेनाइज किया गया जिससे काफ़ी लोगों को प्लेसमेंट मिला है। आज कंप्यूटर के क्षेत्र में पूरे छपरा में अभिजीत जी एक अपनी पहचान अलग छोड़ दिए हैं अपने मेहनत के बल पर। अभिजीत ने जो करके दिखाया है, ये मेरे छोटे लड़के हैं, इन्होंने जो करके दिखाया वो छपरा के लिए बहुत ही काबिले तारीफ है। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आए और यहाँ से जॉब लेके गए और आज ये एक अच्छे संस्था के रूप में देखा जा रहा है। मैं विश करती हूँ कि हमेशा आगे बढ़ते रहे ऐसे ही, एंड छपरा की भी तरक्की हो, हमारे देश की भी तरक्की हो।